इस वीडियो पे आपको हम बताएंगे बोलेरो पिकअप 1.7 हो या फिर 1.3 हो वो कितने किलोमीटर पर सर्विसिंग होता है। दोस्तों मेरा नाम विकास कुमार है और आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे बोलेरो पिकअप का फर्स्ट सर्विसिंग कितने किलोमीटर होता है, इसी पे चर्चा करेंगे। देखिए अगर आपका गाड़ी जैसे कि हम न्यू निकालते हैं तो हो सकता है जीरो से तो आपको मिलेगा नहीं, कुछ आपका 2500 कुछ किलोमीटर उसमें चला हुआ ही रहता है अधिकतर हम देखते हैं। लेकिन अगर आपका किलोमीटर हो सकता है 2500 या फिर जीरो जैसे भी हो तो आप मान लीजिए जितना आप जब भी आप लोडिंग वगैरह कुछ काम करते हैं और जैसे आपका 9000 प्लस हो गया, जैसे 95 हो गया, 96 हो गया, फिर 9800 किलोमीटर हो गया, 10000 के आसपास या फिर मतलब कि 500 किलोमीटर का अंतर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। शोरूम वाले बोल रहे थे कि अगर 2500 अंतर होता है तो कोई बात नहीं है, तो 500 तक ठीक ना। तो आपको जो फर्स्ट सर्विसिंग है बोलेरो पिकअप 1.3 हो या फिर 1.7 हो तो आपको 10000 किलोमीटर पे फर्स्ट सर्विसिंग करा लेना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका ज्यादा मतलब कि जो इंजन जैसे कि आपका उसमें बहुत सारा जो है आपका कोलिन हो गया, मोबिल हो गया, तो ये सब जो खराब हो जाता है मतलब ज्यादा गाढ़ा हो जाता है तो आपको इसमें इंजन का क्षति पहुंचाता है तो वो सब वो चेंज करता है। उसके दौरान जैसे और भी बहुत सारे जो पार्ट्स है छोटे मोटे जो पार्ट्स होते हैं वो सभी वो लोग चेंज करता है, तो वही सब होता है। तो आप जब भी आपका गाड़ी 10000 किलोमीटर का आसपास में आ जाए, जैसे कि 9000 प्लस हो जाए, जैसे 95, 96, 97, 98, तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि इसे आपको सर्विसिंग करा लेना चाहिए। आज आप महिंद्रा शोरूम जैसे कि आपका आपका मार्केट में हो तो ठीक है, अन्यथा जहां से आप कहीं भी आप काम कर रहे होते हैं आप कहीं भी महिंद्रा शोरूम में आप किसे कर सर्विसिंग करा सकते हैं। उसमें खर्चा जैसे अगला वीडियो में पता बताएंगे और उसमें आपको लेकर क्या क्या जाना है, जैसे कि आपका जो ओनर बुक जो रहता है जो ओनर बुक जैसे हम लोग कार्ड जैसे एटीएम कार्ड होता है उस तरह ओनर बुक भी रहता है, उसको साथ में रखना है। और आपका जो सर्विस बुक आपको मिला होगा इतना मोटा ऐसा रहता है एक पैकेट में, तो वो भी आपको उसके साथ चाहिए। तो ये सब दो चीज डॉक्यूमेंट वहाँ पे लगता है, उसके बाद आपको वहाँ पे साइन दिया जाता है और कुछ नहीं। हाँ, और इससे कि बता दें कि ये सारे जो डॉक्यूमेंट है, एक सर्विस का बुक जो होता है वो और एक ओनर कार्ड, दो चीज लगता है। उसके बाद आपका जो सर्विस सेंटर आप चल जाते हैं तो वहाँ पे आपका टोटल काम हो जाता है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में घंटी के साथ दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।